आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव की चेतावनी का असर भी नहीं दिखा। उन्होंने अब कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, ये एक धोखा है। देखिए पूरी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर धर्म का कार्ड खेला है। उन्होंने फिर विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू धर्म को मौर्य ने धोखा बताया और दावा किया कि वोटों के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद के मुताबिक संघर्ष के रास्ते पर चलना होगा। तानाशाही के जरिए कुछ सांसदों को निकाल दिया गया। वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा इस तरीके की बयानबाजी स्वीकार नहीं है और इस पर अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। इस बयान को हिंदुस्तान के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को, श्री अखिलेश यादव जी को इसको जवाब देना चाहिए और हिंदू धर्म इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म की पताका हमेशा दुनिया में फहरा रही है और ऐसी ही आकाश की बुलंदियों को रहेगी। तो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि महारान हो, ये सारे लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा, तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद पार्टी ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उनके विचारों का पार्टी समर्थन नहीं करती। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है और इस तरह की टिप्पणियां करके ही उनका चरित्र को दर्शाता है। डिंपल यादव से पहले अखिलेश भी कई बार ये कह चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये उनके निजी विचार हैं। भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विचार उनके निजी हैं, लेकिन फिलहाल ये तो साफ है कि इस मुद्दे पर बीजेपी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस दौरान जब डिंपल यादव से ये पूछा गया कि क्या वो 22 जनवरी को अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी, तो उनका कहना था कि बुलावा आएगा तो वो जरूर जाएंगी। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे।